From grade 6. My institute name is Meritorious Education School System. This is the working model of human respiratory system. It is made by me. Through this model, I will explain the whole function of our lungs. First of all, respiratory system hota kya hai? Respiratory system ko Urdu mein hum nizam-e-tanaffus kehte hain. Hum din mein 20,000 martaba saans lete hain. और वो सिर्फ हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम की वजह से होता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम के मुख्तलिफ पार्ट्स होते हैं, जैसे कि पहला पार्ट है नोज। हमारी नोज की बार की ओपनिंग्स को नोसिस कहते हैं। हवा हमारी नोसिस के जरिए से अंदर जाती है और अंदर एक खाली चैम्बर होता है जिसे हम नेसल कैविटी कहते हैं। हवा उस खाली चैम्बर के अंदर जाकर फिल्टर हो जाती है, फिर हवा जाती है फिरिक्स में। फिरिक्स एक कॉमन रास्ता होता है हमारे खाने के लिए भी और हवा के लिए भी, यानी इससे खाना भी गुजरता है और हवा दोनों चीज़ें गुजरती हैं। फिरिक्स के बाद आता है लेरिस। लेरिस के थोड़ा पीछे एक और नाली होती है जिसे हम ऑयसोफेगस कहते हैं। ऑयसोफेगस से हमारा खाना गुजरता है और लेरिस से हवा गुजरती है। लेरिस के बाद आता है ट्रेकिया। ट्रेकिया आगे जाकर दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है जिन्हें हम ब्रोंकियल्स कहते हैं। ब्रोंकियल्स आगे जाकर ख़त्म होते हैं एल्वोलाई में। एल्वोलाई बेसिकली हवा की थैलियाँ होती हैं जिनमें हवा स्टोर होती है। उसके बाद ब्लड सेल एल्वोलाई के पास आते हैं और उससे ऑक्सीजन ले लेते हैं और अपनी कार्बन डाइऑक्साइड उसे दे देते हैं। फिर वो ब्लड जिसमें ऑक्सीजन होती है वो लंग से निकलकर हमारे हार्ट के पास चल जाता है और हमारा हार्ट उसे हमारी पूरी बॉडी में सप्लाई कर देता है। फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे एल्वोलाई में होती है वो एल्वोलाई से निकलकर एल्वोलाई डक्ट में चली जाती है। एल्वोलाई डक्ट से ट्रेकिया में, ट्रेकिया से लिरिक्स में, लिरिक्स से फिरिक्स में, फिरिक्स से नेसल कैविटी में और फिर वो मुंह या नाक के ज़रिए से बाहर निकल जाती है। जब हम सांस अंदर की तरफ खींचते हैं तो हमारे लंग्स के नीचे एक मसल होता है जिसे हम नेसल कैविटी कहते हैं। जब हम सांस अंदर की तरफ खींचते हैं तो वो सुकड़ जाता है और जगह बन जाती है तो हवा आराम से अंदर चली जाती है। जब हम रिलैक्स करते हैं तो डायफ्रेम ऊपर आता है और जो हवा अंदर होती है वो उसको बाहर फेंकने में मदद करता है। ये था रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम की वजह से ही हमें ऑक्सीजन मिलती है और हमारी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। जब हम सांस अंदर की तरफ खींचते हैं तो हमारे लंग्स फूल जाते हैं। बिल्कुल इसी तरह हमारे लंग्स फूल जाते हैं और बिल्कुल इसी तरह हमारे लंग्स सुकड़ जाते हैं। रिसेंटली एक बीमारी आई थी जिसे हम कोरोना कहते हैं। कोरोना एक वायरस है मगर वो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को अफेक्ट कैसे करता है? वो सबसे पहले ट्रेकिया को अफेक्ट करता है जिसकी वजह से ट्रेकिया की नाली सुकड़ जाती है और इसकी वजह से हमारे लंग्स पर भी असर पड़ता है और हमारे लंग्स काम नहीं करते। फिर मस्तूई ऑक्सीजन लगाई जाती है और हवा ट्रकिए में आती है, ट्रकिए से ट्रकिया की नाली में जाती है, फिर वो लंग्स में जाती है और लंग्स उसी तरह पंप करते हैं जिस तरह पैदाइशी तौर पर पंप करते थे। थैंक्स।